नमस्कार, डीएनए में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप पवार और मेरे सहयोगी आदित्य आज आपको बताने वाले हैं चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के जो मतदान हुआ है उसमें आज किस तरह के नतीजे रहे हैं, किस तरह के रुझान देखने को मिले हैं, कहां किस तरह का नजारा रहा है। आदित्य, चौथे चरण के मतदान में अभी तक शाम पांच बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं जिसमें देश में 62% मतदान हुआ है। इस बार भी एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो पिछले तीनों चरणों में था कि 2019 के मुकाबले हर चरण में मतदान कम हो रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मतलब देखिए कुलदीप जी, कि आप लगातार जैसे हम पहले फेज की बात करें, दूसरे फेज की बात करें और तीसरे फेज की बात करें, तो एक जो चीज़ देखने को हमें मिली है कि कहा जाता है कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है जहाँ पे 48 लोकसभा की सीटें हैं, और तीसरे स्थान पे वैसे तो पश्चिम बंगाल है लेकिन चौथे नंबर पे बिहार है, 40 लोकसभा की सीटें। पश्चिम बंगाल को अगर थोड़ा सा साइड में रख लें तो ये जो तीन राज्य हैं वहाँ वोटिंग परसेंटेज लगातार कम हुए हैं। हमें उम्मीद थी कि पहले फेज़ में अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहा है तो दूसरे फेज में देखने को मिलेगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं। तो ये जो एक चीज़ है, एक तो एक बात क्या है कि लोगों में, जैसे आपने देखा होगा कि पहले 2014 और 19 की अगर बात करें तो लोकसभा का जो चुनाव था एक बड़ा उत्सव जैसा था। इस बार कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी और एक माहौल भी जो है ना, माहौल में वो उत्साह और उमंग की थोड़ी सी कमी नज़र आई। हालांकि आप देखें कि पहला जो फेज़ है वहाँ उससे पहले जो राजनीतिक दल हैं वो आपस में मुद्दों पे बात कर रहे थे, वैचारिक आधार पे बातें कर रहे थे। दूसरा फेज़ जैसे स्टार्ट होता है कि वो बिलो द बेल्ट जाके बयानबाजियाँ और उसके बाद पर्सनल अटैक बढ़ती चली गई और उससे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना था कि ये जो एक बिलो द बेल्ट में जाके अटैकिंग मोड में पॉलिटिशियन आ गए तो इससे हो सकता है कि लोग जो है ना वो पोलराइज होंगे, ध्रुवीकरण होगा वोटों का, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो है ना, इससे लोगों के अंदर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके अंदर द्वंद्व बना हुआ है कि आखिर परिणाम किधर जाएंगे। हालांकि मैं इस चीज में एक बात बीच में आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब पहला चरण और दूसरे चरण के मतदान हुआ था तो विशेषज्ञों ने कहा था कि कम मतदान होने का कारण इन राज्यों में ज्यादा गर्मी होना है, धूप के कारण लोग वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो चौथे चरण के मतदान के दौरान ज्यादातर शहरों में, चूंकि पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है, मुंबई में तो आज भी बारिश हुई है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज बारिश हुई है, तो मौसम थोड़ा सुहावना भी रहा है, उसके बावजूद महाराष्ट्र में आज भी 52% के करीब ही वोटिंग शाम 5 बजे तक दर्ज हुई थी। तो ऐसे में ये तो नहीं माना जा सकता है कि लू और गर्मी के कारण लोग कम निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आदित्य की बात तो ये लग रही है सही कि भाई मुद्दा आधारित चुनाव नहीं हो पाने के कारण लोग शायद ज्यादा जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, ज्यादा उत्साहित नहीं हो पा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। देखिए कुलदीप जी, मैं यहाँ पे बस आपको टोकना चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि कई लोगों के जहन में ये बात है कि मौसम को लेके लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। अब आप ये एक पैटर्न देखिए कि 2014 जहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ जो है ना वोटिंग हुई थी, 2019 वहाँ भी बहुत भारी मात्रा में लोगों ने वोट डाला था, क्या उस वक्त ये गर्मी का मौसम नहीं था? उस वक्त भी गर्मी का मौसम था और 14 में तो मुझे याद है कि बहुत ज्यादा धूप नहीं आदित्य, ये बात पे मैं रोकना चाहूंगा। 2019 के चुनाव को लेकर के इस बार खुद विशेषज्ञों ने भी कहा था कि 2019 के जो चुनाव हुए थे वो अप्रैल और मई में खत्म हो गए थे, उस समय के मौसम में, उस समय जो दौरान मौसम था और इस बार जो हीट वेव का असर रहा है वो अप्रैल में और मई में थोड़ा सा डिफर रहा है, मतलब अप्रैल से ही इस बार हीट वेव शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, विज्ञानी लगातार बिल्कुल आपका कहना सही है वाली चीज। हालांकि लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि भी आज चौथे चरण में मतदान अगर कम रहा है तो हम ये नहीं मान सकते कि वो मौसम का असर है। बिल्कुल बिल्कुल, चौथा चरण तो आज कई जगह अच्छा मौसम रहा है, कई जगह गर्मी पहले जितनी नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और एक जो आपने एक बात कही है कि मौसम को बहुत ज्यादा उसमें हम नहीं ला सकते कि मौसम एक वजह हो सकती है, लेकिन एक खास बात क्या है कि पश्चिम बंगाल
जहाँ का मौसम हमेशा गर्म रहता है गर्मी के सीजन में, समर की अगर बात की जाए तो, लेकिन पश्चिम बंगाल की का जो वोटिंग पैटर्न है उसको देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का मतदाता बहुत जागरूक है और ये वो सिर्फ मतदान देने में ही नहीं, वो हर तरीके से उसका वहां का नागरिक अगर जी बिल्कुल बिल्कुल जागरूक बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक चीज मैं बस ऐड करना चाहूंगा, एक वामपंथ का जितना बिल्कुल पश्चिम बंगाल में रहा है मुझे नहीं लगता पश्चिम बंगाल के बाद केरल में ही इतना जोर। बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत ही सही कहा, त्रिपुरा में भी देखने को मिला, नॉर्थ ईस्ट में भी वोटिंग पैटर्न काफी जो पश्चिम बंगाल में, उसकी वजह क्या है ना, जो पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो पिछले दो दशकों की बात की जाए, जो एक तो आपको पता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस एक दशक तक वहाँ पे, दो दशक तक मजबूत थी, उसके बाद जो वामपंथ का एक उदय है वहाँ पे वो देखने को मिलता है, और पाँच से छः मोटा माटी अगर बात मान के चले तो वहाँ पे पाँच छः दशक जो है ना वामपंथियों ने रूल किया वहाँ पे, उसके लगातार सरकार अभी आपको अभी की जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो वहाँ पे पैटर्न है, अब देखिए वामपंथी बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके हैं अगर आप, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा जी जी, जो वहाँ पर जितनी भी राजनीतिक पीढ़ी है जी जी, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे टीएमसी की हो चाहे कांग्रेस की भी हो, ज्यादातर चूंकि वामपंथ के इस दौर से गुजर के आए हैं और वामपंथ का असर उन पे रहा है जी जी जी, तो पश्चिम बंगाल के लोग उस हिसाब से अपने जागरूक दिखाई देते जी हैं जी जी। जब हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज तीन बहुत ही अहम सीटों पर चुनाव पश्चिम बंगाल में था। अधीर रंजन चौधरी बेरमपुर से लड़ रहे थे, जिनके सामने यूसुफ पठान खड़े हुए थे टीएमसी की तरफ से, कांग्रेस के चीफ है अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी रहे हैं, और महुआ मोइत्रा जो फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं टीएमसी की, उनका भी वो भी आज कृष्णानगर सीट से आज उनका भी मतदान हो रहा था। उनके सामने बीजेपी ने स्थानीय राजघराने की अमृता राय को उतारा हुआ था, और तीसरी सीट पर आसनसोल का चुनाव था जहां पर फिल्म एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा खड़े हुए थे टीएमसी की तरफ से, और ये तीनों ही सीट बेहद अहम मानी जा रही हैं और इन पर भारी मात्रा में मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य रहा है आज जहां 75% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। ऐसे में अगर देखा जाए, हालांकि पश्चिम बंगाल का एक ट्रेंड रहा है कि वहां पर कभी भी मतदान बिना हिंसा के नहीं होता है, आज भी यह ट्रेंड लगातार जारी रहा है, इसको लेकर के हिंसा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पश्चिम बंगाल और केरल की जो राजनीति है वो 60s के दशक की बात की जाए तो तभी से वहाँ पर हिंसा की घटनाएँ बढ़ने लगी थी, और ये एक ऐसी चीज़ है ना कि एक स्टेट का एक क्या होता है ना, हर एक राज्य का एक अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वही चीज़ बंगाल में जो होता आया है वही ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने को हमें मिल रहा है। दूसरी चीज़ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर हम बहुत बार डिबेट करते हैं और बात रखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हुआ है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि लगातार 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, और जब लगातार एक सरकार बनी होती है तो लोगों में जो देखा गया है किसी भी देश में या किसी भी राज्य में देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा डाउन जाता है, अगर एंटी इनकम्बेंसी अगर बहुत अधिक है या कोई बड़ा सा मोमेंट चल रहा है देश में तब तो ये बढ़ जाता है, अदरवाइज जब स्मूथली अगर इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा डाउन ही जाता है। हम बात करना चाहेंगे साउथ के राज्यों की, अगर आज की बात करें, हम चौथे चरण में आज 96 सीटें जिन पर मतदान हो रहा था उसमें से सबसे ज्यादा जो सीटें थी वो साउथ के राज्यों में थी, दो बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों एक ही राज्य के पुराने दो हिस्से हैं और दोनों सटे हुए हैं आपस में राजनीति के तौर पे, लेकिन बिल्कुल विपरीत धारा में चलते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार है, और वाईएसआरसीपी वहां पे बेहद मजबूत भी रही है, लेकिन इस बार बीजेपी जो पिछले चुनाव में एक भी सीट वहां पर नहीं जीत पाई थी, इस बार टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन करके उतर रही है, और माना जा रहा है कि मतलब वो इससे मजबूत हुई है। हैदराबाद तो बड़ी चुनौती दे रहे हैं वो तेलंगाना के मामले में, और तेलंगाना में भी बीजेपी अपनी सीटें बढ़ने का दावा कर रही है, तो क्या लग रहा है वहां पे जो मतदान हुआ है, जो दोनों ही राज्यों में 65% से करीब ऊपर मतदान हुआ है, तो कैसा मतलब बीजेपी के लिए किस लिहाज से? देखिए आंध्र और तेलंगाना की अगर बात की जाए तो ट्रेडिशनली वो बीजेपी का स्टेट नहीं है, लेकिन आपको याद करना चाहिए जब 84 के चुनाव में दो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी तो एक जो लोकसभा सीट भारतीय जनता के पार्टी के जो नेता जीत के आए थे वो आंध्र प्रदेश से जीत के आए थे और एक गुजरात से जीत के आए थे, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी ने प्रोग्रेस की है, तो बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे बीजेपी ने दोनों तरह के नेताओं को तैयार किया, एक तो आप किशन रेड्डी जैसे नेता को देखते हैं जो थोड़ा सा सबका साथ सबका विकास वाला हिसाब किताब है वहाँ पे, दूसरे राजा सिंह जैसे नेता हैं या माधवी जैसी लीडर हैं जो उभर के सामने आई हैं,
तो हिंदुत्व का भी ये है और एक सबका साथ सबका विकास वाला जो वो है वो भी देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि तेलंगाना में अभी हाल में ही विधानसभा के चुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़त कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे हासिल की थी। अब इस चुनाव में आप क्या देखेंगे कि जो ये इस चुनाव का जो लोकसभा चुनाव का जो पैटर्न होता है ये विधानसभा से बिल्कुल डिफरेंट होता है, उल्टा होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश का जो अभी तक का रहा है कि वहाँ पे 5 सालों पे सरकार बदलती रही है, तो वाईएसआर कांग्रेस को लेके अब क्या है मोमेंटम है वो रिजल्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो एनडीए एक वहाँ पे फॉर्म किया है टीडीपी के साथ, टीडीपी को अगर आपको याद होगा कि वाजपेयी जी के टाइम से ही वो एनडीए का हिस्सा रहा है, तो लेकिन वाईएसआर कांग्रेस इस बार पहले जितनी मजबूत भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज, कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें जीती, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार जो वाईएसआर कांग्रेस के चीफ है और वहां के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, उनकी बहन शर्मिला खुद छोड़ करके पार्टी चली गई है और कांग्रेस में अध्यक्ष बन गई, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बन गई है। कांग्रेस प्रदेश उन्होंने खुद अपनी ताकत आधी कर दी। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जगनमोहन रेड्डी की मदर ने, मतलब शर्मिला की माताजी ने खुद अपनी बेटी के लिए वोट मांगी, अपने बेटे के लिए, बेटे की पार्टी को जिताने के लिए वोट नहीं मांगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में बीजेपी ने एक दांव खेला, जो टीडीपी वहां पे बेहद मजबूत पार्टी है, सीटें कम थी लेकिन वोट परसेंटेज बहुत अच्छे थे, तो उसका साथ मिलने से मुझे तो लगता है कि बीजेपी की सीटें बढ़ने वाली। बिल्कुल। और टीडीपी वो पार्टी है कुलदीप जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब टीडीपी अपने आप को जो है ना अपनी विरासत में खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करती है कि जो तेलुगु लोग हैं उनकी जो अस्मिता है उनको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी के तौर पे खुद को लोगों के बीच लेके जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है एक जो एक विचारधारा है, जो एक राष्ट्रवाद है, एक बाकी जो विचारधारा से जुड़ी बातें हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे एक और जो फैक्टर है वो हो जाता है तेलुगु अस्मिता की बात, तो वो दोनों चीज़ें मिलेंगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना टीडीपी और बीजेपी का जो अलायंस है एनडीए उसको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन चूंकि जो वोटिंग पैटर्न है वो जिस तरह से मतलब अभी बढ़ नहीं रहा है तो कहना कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी है मामला काफ़ी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। देखिए इसी बीच है ना फाइनल वोटिंग टर्नआउट भी सामने आ गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे देश में 62.60% मतदान शाम को पोलिंग बूथ बंद होने तक हुआ है। हालांकि कुछ जगह पोलिंग बूथ पर अभी भी लाइनें लगी हुई हैं, वोटर्स खड़े हुए हैं जो वोट डाल रहे हैं, तो ऐसे में फाइनल टर्नआउट थोड़ा और बढ़ सकता है, देखने को मिल सकता है, और कई जगह से फाइनल आंकड़े भी आने बाकी होते हैं, तो उसके बाद उसका फर्क पड़ सकता है। अभी मैं जो रहा है वो मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में 68.09%, बिहार में 55.62%, मध्य प्रदेश में 68.25%, झारखंड में 63.35%, जम्मू कश्मीर में 35.97%, महाराष्ट्र में 52.63%, ओडिशा में 63.85%, तेलंगाना में 61.16%, उत्तर प्रदेश में 57.20% और पश्चिम बंगाल में 75.72% मतदान हुआ है। अब मोटा मोटा मैं जल्दी से आपको कुछ स्टार सीटों के बारे में बता दे रहा हूँ जो हॉट सीट इस चरण में थी। जैसे कन्नौज से सपा मुखिया अखिलेश यादव लड़ रहे थे, तो कन्नौज की सीट पर 59.61% मतदान हम लोगों को देखने को मिला है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो आसनसोल में 69.43% शत्रुघ्न सिन्हा की सीट, बहरामपुर जहाँ से यूसुफ पठान और अधीर रंजन चौधरी थे 75.36%, एंड कृष्णानगर 77.29% रहा है। हैदराबाद की सीट आज बेहद चर्चित रही है क्योंकि वहां पर माधवी लता के ऊपर एक आरोप लगा है कि उन्होंने बुर्का पहनकर आई हुई लेडीज को बुर्का उठाकर वोट डालने के लिए मजबूर किया। तो वहां का भी मैं आपको बता दूं कि वहां पर मतदान जो है 39.17% केवल मतदान हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि वहां पर मतदान कम करने के लिए खुद AIMIM के कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को कहा है, लेकिन इन ऐसे वीडियोज का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये वायरल वीडियोज हैं, किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं। लेकिन अभी के तक का नजारा जो देखकर लग रहा है कि बीजेपी जहां पर अपने को मजबूत मान रही है, ज्यादातर उन जगहों पर कम मतदान हुए हैं, और अगर हम आदित्य की बात को सही माने तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर नहीं है और बीजेपी को उन स्टेट्स में फायदा होने जा रहा है। हालांकि जो असली बात है वो तो 4 जून को रिजल्ट के बाद ही। नहीं नहीं, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मतलब यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज से कम होने से बीजेपी को या तो नुकसान हो या फायदा हो, क्योंकि ये एक ऐसा है ना, क्योंकि ये पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है,
तो नतीजे मैंने कहा कि काफी दिलचस्प हो सकते हैं, ये जो है ना ऊंट किसी करवट जो है ना बैठ सकती है, तो वो वाला हिसाब किताब है। तो वही वही मैं कह रहा हूँ, असली नतीजे तो 4 जून को जब ईवीएम्स खुलेंगी तभी पता लगेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए डीएनए के साथ, ऐसे ही जोरदार एनालिसिस के लिए। शुक्रिया।